नमस्कार, आप देख रहे हैं घुमासान.com। मैं हूं आपके साथ दीक्षा भानुप्रिया। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के मीडिया समन्वयक नरेंद्र सलूजा ने मांग की है कि प्रदेश की राजधानी भोपाल में कार से एक सराफा व्यापारी के नगद पकड़ाए हैं। 4 करोड़ वाले मामले में आयकर विभाग और पुलिस विस्तृत व निष्पक्ष जांच करवाए, क्योंकि इसे पॉलिटिकल कनेक्शन की बात भी सामने आ रही है। ये जानकारी सामने आ रही है कि उक्त सराफा व्यापारी की नजदीकी प्रदेश भाजपा के एक बड़े प्रभावी कद्दावर नेता, जो वर्षों तक प्रदेश के जिम्मेदार पद पर रहे हैं, ये पैसा भी उन्हीं नेता की काली कमाई का हो सकता है, जिसे उक्त व्यापारी द्वारा ठिकाने लगाने का प्रयास किया जा रहा था, जो पकड़ा गया है। इसकी आयकर विभाग व पुलिस को बारीकी से जांच करना चाहिए। इस व्यापारी के यहाँ करोड़ों रुपया किसी प्रभावी नेता का लगा हुआ है, जिसे ठिकाने लगाने का काम वर्षों से किया जाता रहा है। इसकी जांच होनी चाहिए। इस पैसे को ध्यान भटकाने के लिए सोना खरीदी से जोड़ने का प्रयास हो रहा है। ये पैसा काली कमाई का हो सकता है। इस व्यापारी की नजदीकी व साठ गांठ वर्षों से उक्त प्रभावी भाजपा के बड़े नेता से जग जाहिर है। एक आयोजन में भी ये व्यापारी व उक्त नेता आपस में जुड़े हुए हैं, इसलिए नेता व्यापारी की मिलीभगत व पैसा पकड़ाने वाली घटना वाले बिंदु पर विस्तृत जांच होना चाहिए, ताकि वास्तविकता सामने आ सके। ये बात मीडिया समन्वयक नरेंद्र सलूजा ने कही है। क्राइम ब्रांच और साइबर इन्वेस्टिगेशन द्वारा एक कार के अंदर नगद 4 करोड़ 11 लाख रुपए जब्त किए गए। बताया जा रहा है कि वो एक सराफा व्यवसायी का पैसा है, और बताया जा रहा है कि वो सोना खरीदी के लिए ले जाया जा रहा था, जबकि हमारे पास जो जानकारी सामने आ रही कि एक प्रभावी नेता जो वर्षों तक मध्य प्रदेश के जिम्मेदार पद पर रहे, उस नेता से उक्त व्यापारी की गहरी साठगांठ है, मिली भगत है, और वर्षों से उक्त व्यापारी के माध्यम से उस नेता की काली कमाई को ठिकाने लगाने का काम किया जाता रहा है, और यह पैसा भी ठिकाने लगाने का काम किया जा रहा था, जो कि पकड़ा गया है। तो उस नेता की और व्यापारी की मिली भगत को देखते हुए आयकर विभाग को इस पैसे की और इस पूरे मामले की और पुलिस को विस्तृत जाँच और निष्पक्ष जाँच करना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं काली कमाई से जुड़ा हुआ मामला है, और इसे सोने की खरीदी से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। उक्त नेता और व्यापारी की साठगांठ वर्षों से एक धार्मिक आयोजन के माध्यम से भी, तो हम मांग करते हैं कांग्रेस की ओर से कि इसकी आयकर विभाग निष्पक्ष जांच करे, और पुलिस से भी मांग करते हैं, उन्हें निर्देश भी दे रहे हैं कि इस पूरे मामले की विस्तृत जांच की जाए, और उस नेता की भूमिका की जांच की जाए कि वर्षों से उस उक्त व्यापारी के वहाँ उक्त नेता का करोड़ों रुपये ठिकाने लगाने का काम किया जाता है, इसकी पूरी जाँच की जाए, और जो भी असलियत और जो वास्तविकता सामने आना चाहिए। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।